बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हमारा क्लास 9th का जो है वो लेक्चर नंबर 31 है, और आज बेटा हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसके 4 पार्ट्स बेटा जी हम लोगों ने किए थे, आज हम लोग जो है वो नेक्स्ट 5 पार्ट्स से स्टार्ट करेंगे। सो फैक्टराइजेशन बेटा जी हम लोग कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है 4x² - 17xy + 4y² तो उसी तरीके से बेटा जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू के साथ विद साइन मल्टीप्लाई करेंगे, यानी प्लस 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 4 4 = 16x² y² और सेंटर वाली वैल्यू बेटा हमारे पास -17xy। सो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये वैल्यू आनी चाहिए और प्लस माइनस करने से हमारे पास ये वैल्यू आनी चाहिए। अब हमने बेटा पेयर बनाने हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करने से 16 आए, तो उसमें 16 1 16 और 4 4 16, बस ये दो पेयर हमारे पास आते हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, हमारे पास 16 आता है। सो अब हम देखेंगे कि दोनों को प्लस करें या माइनस करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 17 आना चाहिए। तो इसको हम लोग बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको देखें 4 4 16, सो 4 में 4 प्लस करें तो क्या आएगा 8, 4 में से 4 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 0। सो ये वाला पेयर जो है बेटा ये नहीं लगेगा। इसी तरह इस पेयर को देख लें 16 1 16, एक कंडीशन पूरी होगी, 16 में से 1 माइनस करें तो क्या आता है 15, लेकिन अगर 16 में 1 प्लस करें तो क्या आता है 17। सो ये पेयर लगेगा। अब दो वेरिएबल्स हैं x² y² तो एक एक्स वाई इसके साथ आएगा और एक एक्स वाई इसके साथ आएगा, जब एक्स वाई आ जाएगा तो ये 1 लिखने की ज़रूरत हमें नहीं होगी। साइन देखना है, सेंटर वाली के साथ साइन है बेटा माइनस का, सो बड़ी वैल्यू के साथ साइन आ जाएगा माइनस का। अब इसके साथ आप खुद सोचेंगे कौन सा साइन आएगा, लेट्स सी अगर मैं प्लस का लगाता हूँ तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 16 माइनस 1 क्या आ जाएगा 15, बट वी नीड 17। सो यहाँ पे क्या साइन आएगा बेटा माइनस, सो माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 17। सो 4x² - 16xy - xy + 4y² सो फर्स्ट टू में से कॉमन आ गया बेटा 4x, बाकी बचा x - 4y, इसमें से कॉमन आ गया y, बाकी बचा x - 4y। सो 4x - y (x - 4y) ओके बेटा जी। सो इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट है इस क्वेश्चन को देखें नंबर 6 पार्ट को, उसी तरीके से फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू के साथ विथ साइन मल्टीप्लाई कर देंगे। सो प्लस माइनस माइनस 39x² y² और सेंटर वाली वैल्यू बेटा -38xy। अब हमने पेयर बनाने हैं किसके, 39 के, तो 39 के पेयर बनाए, पहला पेयर बनेगा 39 1, उसके बाद पेयर बनेगा 13 3। ये दो पेयर बेटा जी बनते हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 39। देयर इज़ नो अदर पेयर हुज मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 39। तो देखें 13 3 = 39, लेकिन 13 में 3 प्लस करें तो कितना आएगा 16 और 3 माइनस करें तो कितना आएगा 10। सो ये वाला पेयर जो है ये नहीं लगेगा, बिकॉज वी नीड 38। 39 1 - 39, 39 में 1 प्लस करें तो क्या आएगा 40, लेकिन अगर 1 माइनस करें तो क्या आएगा 38। सो इसमें भी x² y² है, एक एक्स वाई इसके साथ आ जाएगा और एक एक्स वाई जो है वो इसके साथ आ जाएगा, सो ये 1 ख़त्म हो जाएगा। सेंटर वाली के साथ कौन सा साइन है माइनस का, सो बड़ी के साथ माइनस आ जाएगा और इसके साथ सोचें, लेट्स सी मैं माइनस लगाऊं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना बन जाएगा 40, बट वी नीड 38। सो यहाँ आएगा प्लस, बिकॉज माइनस प्लस माइनस, 39 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 38। सो ये हमारे पास अब पेयर आएगा
थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 39xy प्लस xy माइनस 13y स्क्वायर, ये वाला पेयर जो है बेटा ये हमारा यहाँ पे लगेगा। ओके जी, अब आगे सिंपल आपको पता है कि आपने कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन आएगा 3x, तो बाकी बचेगा x माइनस 13y प्लस इन दोनों में से कॉमन आएगा y, बाकी बचेगा x माइनस 13y। सो एज वी नो डैट ब्रैकेट में वैल्यूज प्लस साइन अगर इक्वल आ जाए तो इट मीन्स कि हमारे मिड टर्म ब्रेक ठीक है। सो x माइनस 13y इंटू 3x प्लस वाई, लो बेटा ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है जी नंबर 7, इसमें भी देख लें फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस 70x स्क्वायर y स्क्वायर, और हमें चाहिए क्या जी 33xy। अब 70 के पेयर बनाएं, 71 द 70, 35 टू द 70, 14 5 द 70, 10 7 द 70, 33 हमें चाहिए। तो अब आपको पता है ऑलमोस्ट हमने 6 टू 7 क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर ली है, 71 इसमें 33 नहीं आएगा, इससे भी 33 नहीं आएगा, इससे भी 33 नहीं आएगा। सो 35 टू द 70 दोनों के साथ एक्स वाई आ गया, सेंटर वाली के साथ साइन प्लस का है सो बड़ी के साथ आ गया प्लस। अब 2xy के साथ देखें, लेट सी अगर मैं लगाता हूँ प्लस तो प्लस 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 35 प्लस 2 कितना हो जाएगा 37। सो यहाँ हमें चाहिए 33, तो उसके लिए क्या लगेगा माइनस, यानी प्लस माइनस माइनस 35 माइनस 2 33। ओके बेटा, सो ये पेयर हमारे पास आएगा 5x स्क्वायर प्लस 35xy माइनस 2xy माइनस 14y स्क्वायर। सो इसके बाद कॉमन देख लें, फर्स्ट टू में कॉमन आ रहा है जी 5x, बाकी बचा x प्लस 7y, इधर से कॉमन आ गया माइनस 2y, बाकी बचा x प्लस 7y। सो ब्रैकेट वाली वैल्यूज आपके सामने सेम आ गई, माइनस माइनस प्लस, सो x प्लस 7y इंटू 5x माइनस 2y। ओके बेटा जी, अब इसी तरीके से इसका लास्ट पार्ट रह गया नंबर 8 पार्ट, वो इस मेथड से नहीं है, वो जो आप लोगों ने फॉर्मूले का मेथड किया था वो उसी तरीके से है। नंबर 8 पार्ट में वो कहता है जी 5x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5x माइनस 1 ओवर x प्लस 4। ये क्वेश्चन है बेटा जी हमारे पास लास्ट 8 पार्ट इस क्वेश्चन का, जो कि हम लोगों ने सॉल्व करना है। अच्छा जी, तो इसमें बेटा जी फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर ऑलरेडी है ए स्क्वायर और बी 4 2 का स्क्वायर, दरमियान में प्लस है तो प्लस 2 ए की वैल्यू 5x माइनस 1 ओवर x और बी की वैल्यू 2। सो ये फार्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। क्या फार्मूला कंप्लीट हुआ, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होता है, ए ये ए की वैल्यू है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके बेटा जी, सो ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। ये फैक्टराइजेशन जो कि मिड टर्म ब्रेक की बेटा आप लोगों ने की है, इसकी बेटा जी आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये आगे क्लास 10th के अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी इस्तेमाल होगी। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।